Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, आज अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी के लिए काफी बुरा दिन है। बुरा दिन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और सांसद राहुल गांधी का आज ईडी में पेशी है, जिसको लेकर अलग अलग जगहों पर तमाम तरीके की चीजें पूरे देश से सामने होने लगी है, जिसको लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो कहीं ना कहीं सड़क पर उतर गए हैं और लगातार धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। दरअसल बात करें तो नेशनल हेराल्ड मामले में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी का बयान पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 50 के तहत रिकॉर्ड होगा। राहुल से पूछताछ में ईडी के 3 ऑफिसर शामिल हैं। राहुल गांधी से जवाब देने से पहले शपथ ली गई है और वे सभी सवालों का सच जवाब देंगे। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के ऑफिसर राहुल गांधी को सवाल कर रहे हैं। एक ऑफिसर राहुल गांधी के जवाबों को टाइप करेंगे तो वहीं तीसरा डिप्टी डायरेक्टर रैंक का ऑफिसर कार्रवाई की निगरानी करेगा। राहुल गांधी से जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो कौन कौन से सवाल है वो मैं आपको बता देता हूं। पहला सवाल यह है कि आपकी एजीएल में क्या पोजीशन थी, यानी कि एजीएल जो संस्था है उसमें राहुल गांधी की क्या पोजीशन थी। इसके अलावा आपकी यंग इंडिया में क्या भूमिका थी, यानी एमिका भूविया जो है वो कहने के उनके सरकार में चलाई गई थी तो उसमें इनकी भूमिका क्या थी। आपके नाम पर शेयर क्यों है, यानी कि जो राहुल गांधी के नाम पर शेयर है वो आखिरकार क्यों है। तो चौथा सवाल ये है कि क्या आपने शेयर होल्डर्स के साथ पहले कभी मीटिंग की, अगर नहीं तो क्यों। और पांचवा सवाल, कांग्रेस ने यंग इंडिया को लोन क्यों दिया। और छठा सवाल, सातवां सवाल जो है, कांग्रेस नेशनल हेराल्ड का पुनर्जीवित क्यों करना चाहती थी। क्या आप कांग्रेस द्वारा दिए गए लोन के बारे में जानकारी दे सकते हैं। क्या आप एजीएल और नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ईडी दफ्तर पहुंचे राहुल गांधी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। राहुल गांधी को 2 जून को पेश होना था लेकिन वे विदेश में थे, ऐसे में उस वक्त पूछताछ में शामिल नहीं हो सके थे। अब वे सोमवार को ईडी के सामने पेश होंगे। उधर सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित होने की वजह से अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हुई है। अब उन्हें 23 जून को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। कांग्रेस ने बुलाया सत्याग्रह। उधर राहुल गांधी की पेशी से पहले कांग्रेस ने सत्याग्रह बुलाया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में ईडी के दफ्तरों के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली में देश भर से आए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जुटे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार झुकेगा नहीं और सत्यमेव जयते के नारे लगा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जब हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी पूछताछ करती है तो इसके नतीजे क्या आते हैं। क्या इसमें राहुल गांधी दोषी पाए जाते हैं या फिर वो साफ सभी के साथ बाहर उभर कर आते हैं। यह बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.